सुत हनुमान की। सद्गुरुनाथ महाराज की, सब संतन की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। लाइट नहीं है ना, पावर है नहीं? रमाकांत लाइट है, जलवा देते हैं। सबसे पहले भगवान आशुतोष चंद्रशेखर भगवान शंकर से प्रार्थना करता हूँ, विनय करता हूँ, इस रामचरितमानस की कथा की संपूर्ण सफलता के लिए प्रभु हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर अनुग्रह रखें और उनका जो ये सत्संकल्प है वो सम्यक रूप से पूरा होए। रामायण जो शब्द है, रामायण शब्द का अर्थ क्या होता है? थैंक यू। रामायण माने होता है रामस्य अयनम इति रामायणम। तो ये ऐसा शब्द है, ऋषियों ने जिस तरह से शब्द का निर्माण किया, रामस्य अयनम इति। अयनम का दो अर्थ होता है संस्कृत में, एक तो अर्थ होता है घर और एक अर्थ होता है रास्ता। जैसे शब्द आप बनाते हो, बोलते भी रहते हो, नारायण ये शब्द बोलते हो, नारायण। नारायण माने क्या? नार एव अयनम यस्य इति नारायणः, नर एव नारः, नार एव अयनम यस्य, यस्य प्रभो। जिस प्रभु का घर मनुष्य का हृदय है उसको बोलते हैं नारायण। आपने शब्द तो सुना ही है और उनका रूप जो है चित्रों में हम लोग देखते हैं, जिससे कि कम से कम उनको उनके होने को स्वीकार कर लें। चतुर्भुज रूप देखते हैं हम लोग, लेकिन उनका जो संस्कृत में अर्थ है वो ऐसा है, नार एव अयनम यस्य प्रभो। जिस चिन्मय प्रभु का निवास स्थान, जिस चिन्मय प्रभु का घर मनुष्य का हृदय है, वहीं निवास करते हैं, वहीं विराजमान हैं, वहीं नित्य उपलब्धि स्वरूप है। तो इसलिए उनका नाम ही ऋषियों ने रखा, संस्कृत में रखा गया, पुराणों में नाम रखा गया नारायण। अयनम गृहम इत्यर्थ। उसी तरह से यहां जो शब्द बना है वो है नारायण की जगह पे रामायण। तो जिसको हम रामचरितमानस ग्रंथ बोलते हैं, रामायण ग्रंथ बोलते हैं, तो ऋषि चिंतन में वो ग्रंथ नहीं है, ऐसा वो कहना चाहते हैं इस नाम से, नाम के जरिए ऐसा कहना चाहते हैं कि ये राम जी के रहने का स्थान है। ये जो ग्रंथ है जिसको हम हाथ में लेके चलते हैं वो प्रभु राम के
रहने की जगह है, रहने का स्थान है। माने भगवान को, भगवान श्री राम को अगर ढूंढना हो, उनसे मिलना हो, उनके बारे में जानकारी हासिल करनी हो, उनका स्वरूप क्या है, उनका रूप क्या है, उनके गुण क्या हैं, उनका प्रभाव कैसा है, हाँ, उनका धाम क्या है, उनका नाम क्या है। भाई जब किसी के बारे में हम जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो कहते हैं उसके घर जाना पड़ेगा, ऑफिस में तो इसका रूप अलग है, और समाज में इसका रूप रंग अलग है, लेकिन इसके बारे में अगर सही सही जानकारी हासिल करनी हो तो फिर इसके घर जाना चाहिए और वहाँ लोगों से पूछना चाहिए, वहीं सही जानकारी मिलेगी। तो किसी को ऑफिस टाइम में तो मिलने के लिए भले ऑफिस चले जाओ, लेकिन अगर मिलना हो तो कहते हैं ये उनका एड्रेस है, पता है, यही आप चिट्ठी लिखो, यही आप जाओ, तो वहाँ आपकी उनसे भेंट हो जाएगी, मुलाकात होगी। तो राम जी से मुलाकात करनी हो तो राम जी से मुलाकात करनी हो तो उनके घर जाना पड़ेगा। उनके बारे में अगर सही सही जानकारी हासिल करनी हो तो उनके घर ही जाना पड़ेगा। बोले उनका घर कहाँ खोजे, क्षीर सागर में रहते हैं या वैकुंठ रहते हैं, वहाँ तो कोई ट्रेन ही नहीं जाती। तो फिर उनसे मिलने का रास्ता कोई है? बोले उनका घर जो है उसको रामायण बोलते हैं, रामस्य अयनम इति रामायणम। बोले ठीक, उनके घर जाया जाए तो कैसे जाया जाए, मार्ग क्या है, रास्ता क्या है, साधन क्या है? तो अयनम शब्द का दूसरा अर्थ है मार्ग। आप लोग सुपरिचित हो, जब सूर्य दो मार्गों से चलता है ना, उत्तरायण और दक्षिणायन, तो वहाँ जो अयन शब्द है उसका अर्थ है मार्ग। ये देखो, जब भूमध्य रेखा को, भूमध्य रेखा को जब दक्षिण करके सूर्य नारायण गति करते हैं तब उसको दक्षिणायन कहते हैं। उस समय हमारे हिस्से वाली धरती के ऊपर प्रकाश कम होता है, प्रकाश कम होता है, ऊष्मा कम होती है, तो थोड़ा सर्दी का समय, इस समय दक्षिणायन चल रहा है। इसलिए जो सूरज की रोशनी है उसमें प्रकाश की कमी, इस समय जो सूरज की रोशनी में जो गर्मी है वो गर्मी भी कम होगी, लेकिन माघ मास में है ना, 14 जनवरी को प्रायः ये एक तिथि ऐसी है जो अंग्रेजी कैलेंडर के साथ मैच करती है। मकर संक्रांति प्रायः 99.999, कभी अपवाद हो गया तो हो गया, नहीं तो 14 जनवरी को माघ मास में मकर संक्रांति का अवसर आता है और उस समय सूर्य देव अपना मार्ग बदलते हैं, भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर आते हैं और उसको उत्तरायण बोलते हैं। तब हमारे भारतवर्ष की भूमि पर प्रकाश की मात्रा बढ़ जाती है, प्रकाश की मात्रा बढ़ती है, ऊष्मा की मात्रा बढ़ती है, गर्मी बढ़ती है। आपको तो जरूर जानकारी में होगा, पितामह भीष्म है ना,
इसी तिथि की प्रतीक्षा करते रहे। कितना कष्ट था उनको, बाण की शैया पर सोते हैं लेकिन दक्षिणायन में मरना नहीं चाहते। वो कहते हैं दक्षिणायन में मरने से तो सदगति में बाधा पहुंचती है। थोड़ा आवाज ऊंची करें, आवाज ऊंची करें, थोड़ा मदद करनी पड़ेगी आपको क्योंकि हाँ ठीक है, थोड़ा बास बढ़ा दें। वैसे हमारे पास जानकार व्यक्ति बैठे हैं सिद्धार्थ चैतन्य, तो करीब 3.5 साल उन्होंने हमारी आवाज़ के साथ खिलवाड़ किया है मैंने उसको सहयोग किया है तो इसलिए बात नहीं। तो मैं कह रहा था कि पितामह भीष्म दक्षिणायन में मरना नहीं चाहते थे। दक्षिणायन में तो बहुत लोग मरते हैं और मृत्यु को कौन रोक सकता है। उनको तो इच्छा मृत्यु थी, हम लोगों को तो नहीं है तो फिर क्या होगा। इसका एक थोड़ा प्रतीक अर्थ भी है। जीवन में जब प्रकाश की मात्रा ज्यादा हो, उत्साह की गर्मी हो, नहीं ऊर्जा हो, ऊर्जस्विता हो, तो उस समय जो देह त्याग है वो सदगति की ओर ले जाता है। और यदि जीवन में अनुत्साह हो, मंदम मंदम यदि जीवन में प्रकाश की कमी हो, माने ज्ञान के प्रकाश की कमी हो, तो तमोगुण थोड़ा बढ़ गया हो, तो उस समय देह छोड़ने का कोई मजा नहीं है। इसलिए जितना संभव है जीवन में उत्तरायण में रहना चाहिए और उस समय अगर देह छूटता हो तो बहुत अच्छा है, क्या फर्क पड़ता है तो अन्यथा उसका अगर भौतिक अर्थ लेंगे तो डेथ रेट तो बहुत हाई है दुनिया में। तो दक्षिणायन 6 महीने का होता है प्रभु जी, 6 महीने में तो और 6 महीने का उत्तरायण है, अगर 6 महीने में मरने वाले लोग सारे स्वर्ग ही चले जाएं, तो मेरे ख्याल से वहाँ भी बिल्डर्स का अच्छा बिजनेस चलेगा। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में इतनी नई कॉलोनीज बनानी पड़ेंगी जिसका हदों हिसाब नहीं इसलिए इसका बिल्कुल वाच्यार्थ, अपने शास्त्रीय भाषा में बोले तो वाच्यार्थ नहीं लेना चाहिए शास्त्रों के अर्थ जब वाच्यार्थ में नहीं घटते तब लक्षार्थ लेना जरूरी होता है। और ये लेने की इजाजत है, लेने की अनुमति है शास्त्र का अर्थ करने का तरीका यही बताया गया परंपरा में। तो नारायण ये तो विषय का अंतर हो गया। हम कह रहे थे राम जी का घर है, निवास स्थान है रामायण, और राम जी तक पहुंचने का मार्ग भी है रामायण। ये शब्द कैसा सुंदर बनाया, ऋषियों का चिंतन देखो आप, उनकी सोच देखो, छोटा सा शब्द निर्माण किया, कॉइन किया उसको रामायण तो दोनों अर्थ आप मन में लेके चलना, रामस्य अयनम इति रामायणम और रामम प्रति अयनम यह, प्रभु राम के प्रति जो मार्ग है उस मार्ग को भी, दोनों में बहुव्रीहि समास है। किंचित संस्कृते वदिष्यामि, तो संस्कृत में बीच बीच में बोलना पड़ेगा, मेरा ऐसा थोड़ा स्वभाव है और संतोष मुझे भी तो खुराक मिलनी चाहिए ना
तो असल में संस्कृत में शब्द अपना अर्थ खोल देता है और नहीं तो छिपा के रखता है, बहुत छिपा के रखता है। शब्दों के ऊपर ऐसा ताला चाबी लगा रखा है ऋषियों ने कि वो बात मिलती नहीं। तो रामायण बहुत है हिंदुस्तान में, आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी, वो कहते हैं एक तरह से मूल रामायण का ग्रंथ है। लेकिन आंचलिक भाषाओं में, अलग अलग भाषाओं में भी रामायण लिखी गई, तमिल में भी लिखी गई कम्ब रामायण, बंगला में लिखी गई, बहुत सारी भाषाओं में रामायण लिखी गई। तो रामायण सत कोटि अपारा, गोस्वामी जी ने लिखा है कि रामायण कोई एक ग्रंथ नहीं है, बहुत सारे ग्रंथ हैं। और कई बार एक रामायण के प्रसंग दूसरे रामायण में नहीं मिलते हैं, और दूसरे रामायण का प्रसंग पहले वाले में नहीं मिलता। स्वयंवर की कथा जैसा रामचरितमानस में है, स्वयंवर की कथा वैसी वाल्मीकि रामायण में नहीं है। तो अब कौन सही है, इस तरह से विद्वान लोग आपस में चर्चा करते हैं और प्राय ऐसा बोलते हैं कि वाल्मीकि जी का मूल रामायण है, ऐतिहासिक है वो। गोस्वामी जी से जब पूछा गया, क्योंकि संस्कृत में ही एक और रामायण है अध्यात्म रामायण, तो और भागवत जी में दो अध्याय है रामायण के ऊपर, पूरे के पूरे नवम स्कंद में। तो अब वहां व्यास जी ने, आपकी जानकारी के लिए बोलूं, व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में रामायण में सीता जी